नमस्कार, मैं संतोष भगत। आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज, आपका स्वागत है। मसाज पार्लर के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट का हुआ पर्दाफाश। पालघर जिले में वसई के अग्रवाल चुलने रोड माउंट कार्मेल स्कूल के पास वसई मनोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नामक बिल्डिंग में एमआर ब्यूटी सलून एवं स्पा के नाम से चलाए जा रहे मसाज पार्लर में चल रहे अवैध सेक्स रैकेट का पुलिस ने रेस्क्यू फाउंडेशन के सहयोग से पर्दाफाश कर दिया। आपको बता दें कि करीब एक साल से अधिक समय से रजनी जाधव नामक आरोपी द्वारा चलाए जा रहे इस रैकेट की जानकारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के महेश गोसावी को लगी। तब उन्होंने रेस्क्यू फाउंडेशन नामक एनजीओ के चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विवान सुरेश गायकवाड़ से संपर्क किया एवं विवान सुरेश गायकवाड़ के साथ उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अजय भगवान कोहली को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा। ग्राहक बनाकर भेजे गए दोनों एनजीओ पदाधिकारी द्वारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सिग्नल देने के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के पुलिस इंस्पेक्टर संतोष चौधरी व महेश गोसावी के साथ उनकी टीम ने मसाज पार्लर पर रेड करते हुए आरोपी 40 वर्षीय महिला रंजनी जाधव के साथ एक हरियाणा एवं दूसरी गुजरात की रहने वाली लड़की, जिसने अनैतिक कार्य करवाया था, हिरासत में लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मसाज कराने वाले आए ग्राहक से आरोपी महिला मसाज के नाम पर 1500 से लेकर 1800 रुपये तक वसूली करती थी। वही कैमरे में जाने के बाद स्पेशल सर्विस के तौर पर 1000 से लेकर 3000 तक वसूला जाता था। स्वतंत्र सागर न्यूज के लिए संवाददाता यूसुफ अली की रिपोर्ट। क्या है और आज क्या मामला था, आप यहाँ पे आए हो? मेरा नाम विवेन सुरेश गायकवाड़ है, मैं रेस्क्यू फाउंडेशन से हूँ एज अ चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। एक इन्फॉर्मेशन थी जो मसाज पार्लर के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन चालू है यहाँ पे, तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नालासोपारा वसई विरार के महेश गोसावी सर और पुलिस इंस्पेक्टर संतोष चौधरी, इन्होंने हमें बुलाया और हमने एक बोगस कस्टमर भेजा यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन वेरीफाई की और यहाँ पे अभी प्रोसेस चालू है। रेस्क्यू हुआ है, रेड हुआ है, अभी आगे का प्रोसेस चालू है यहाँ पे। किस तरह से कितना चार्ज करते थे, क्या कुछ यहाँ पे? ये 1500 एज अ मसाज पार्लर का पैसे लेते थे और बाकी का अंदर जाने के बाद कस्टमर से बाकी के चार्जेस ये 1000-2000 जैसा उनका सर्विस रहेगा आगे का सेक्स के लिए, वैसा वो डिमांड करते थे, लेते थे। कितने समय से मसाज पार्लर चल रहा है? ये काफ़ी समय से चल रहा है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी तो हमने ये बोगस कस्टमर डिकॉय बेच के कंफर्म की, वेरीफाई की इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे रेस्क्यू हो चुका है, अभी आगे के प्रोसीजर चल रहे हैं। यहाँ पे इसमें एक लेडीज़ आरोपी है और दो विक्टिम्स है, एक हरियाणा से है और एक गुजरात से है।